Good ladies and gentlemen. How have you been? And it's been a long time since I recorded a video like so. And um, I thought it was pending from quite some time, and a discussion was pending. Well, uh, let's do it in Hindi. Sorry for the, the bump. I just bumped my microphone stand. The boom. I'm sorry. Uh, let's do this in Hindi. नमस्कार कैसे हैं आप सभी और काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने एक ऐसी वीडियो शूट नहीं की थी कुछ बात करते हुए या कुछ भी करते हुए तो यूजली तो मैं बस ऐसी कुछ भी बातचीत करता रहता हूँ और गर्मी बहुत है दिल्ली में ख़ास करके गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ पर तो जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है इस समय मगर करें तो करें क्या अब ये हकीकत है हमारी आज की और इसको हम टाल नहीं सकते किसी भी प्रकार से इसे हम झुटला नहीं सकते तो आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पिछले कुछ हफ़्तों से शायद मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ हफ़्तों से मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था एडिटिंग से मैं थोड़ा सा दूर था क्योंकि मैं ज्यादातर तौर पर अगर आपसे कहूँ कि आ, मैं कभी कभार ना अपने ही एडिट्स देख करके और अपने एडिट्स को बार बार यू नो you know, एक पैटर्न पर एडिट बनता है और मेरा एक स्टाइल है वो स्टाइल को मैं फॉलो करता हूँ और होता ये है कि कुछ समय के बाद मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ मेरी एक थोड़ी सी बुरी आदत है मैं ज़रा चीज़ों से मेरा मन जल्दी उड़ जाता है पता नहीं ऐसा क्यों होता है मगर ऐसा होता है मेरे साथ और इसीलिए मैं पिछले दो हफ्ते से मैंने मैं चाहता तो मैं कर लेता लेकिन मैंने जानबूझ करके कोई भी एडिट नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी मैसेजेस भी आए और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए और इंस्टाग्राम पर तो आते ही रहते हैं डी में कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो और एक जो है वो बहुत बड़ा एक फैंडम है जिन्हें लगता है कि मतलब मैंने मैंने किया भी है उनकी जो फेवरेट जोड़ी है उस पर मैंने काफ़ी सारे एडिट्स किए भी हैं और मुझे पसंद इसलिए आता है क्योंकि उसमें जो अदाकारा हैं मैं नाम नहीं लूँगा उन्हें मैं कुछ थोड़ा पहले से जानता हूँ और पर्सनली नहीं जानता हूँ मगर मिला हूँ मैं उनसे एक दो बार तो मुझे वो थोड़ा सा वो आ, मुझे कुछ आ, कुछ पसंद थी पहले अब तो खैर ज़्यादा नहीं है आ, लेकिन उन पर मैंने एक जो है काफ़ी सारे मैं और फ़ोटोज़ में करता रहता हूँ क्योंकि होता क्या है कि कहानी जो होती है और ये मुझसे बेहतर आप लोग समझेंगे अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहानियाँ लिखते हैं और कहानियों को जो है एक आपकी जो परिकल्पना है उसके साथ आप उसको बनाते हैं और फिर उसको तो लिखते हैं या फिर आप उसके ऊपर कुछ एडिट बनाते हैं या कुछ वीडियो बनाते हैं तो ये मुझसे बेहतर आप लोग समझेंगे कि उन कहानियों को चरितार्थ करने के लिए उनके उनके ऊपर कुछ चेहरे चिपकाने पड़ते हैं और वो चेहरे जो होते हैं वो चेहरे फिर आपको ढूंढने पड़ते हैं और कभी कभार वो चेहरे आपको आसानी से मिल जाते हैं और कभी कभार वो चेहरे आपको आसानी से नहीं मिलते तो जब तो वो चेहरे आपको आसानी से मिल जाते हैं तो तब तो आप कुछ भी बना लेते हैं और कुछ भी आपको बहुत अच्छा सा देखने को मिलता है बड़ा मज़ा आता है लेकिन हर बार हर कहानी पर एक ही चेहरा या कुछ सेट ऑफ़ चेहराज क्या बोल रहा हूँ और वहाँ पर आती है कुछ समस्या और समस्या ऐसी होती है कि आप ढूंढते रहते हैं लेकिन आपको चेहरे मिलते नहीं हैं तो मेरे साथ भी कुछ ही हो गया था मैं ढूंढ रहा था कुछ कहानियाँ तो हैं मेरे पास कहने के लिए कुछ वॉइस ओवर्स भी हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाना चाहता हूँ बिकॉज़ आई लव डूइंग दैट मुझे बहुत मज़ा आता है कि कुछ कुछ शायर है, कुछ हैं कुछ लेखक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं और लिख करके उन्होंने वो चीज़ें दुनिया को दे दी हैं लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में जानते भी नहीं कि वो चीज़ें हैं और वो चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें कितनी अच्छी हैं उन्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मेरी कोशिश रहती है कि मैं जब कुछ भी ऐसा पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ उसे अपने तक न रखूँ मैं लोगों को दिखाऊँ सुनाऊँ और लोगों को उससे वाकिफ़ करवाऊँ तो बहरहाल दो हफ़्ते का मैंने जो ब्रेक लिया था उसमें मैं गेमिंग कर रहा था कुछ मैं गेमिंग की तरफ चला गया था मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी शेयर की और मैं मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दो हफ़्ते से गेम खेल रहा था मैं मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले चार या पाँच या छः दिनों से या शायद आप कहिए कि पिछले एक हफ़्ते से मैं थोड़ा सा गेमिंग के अंदर मुझे इंटरेस्ट आ गया था क्योंकि गेमिंग में मुझे शुरू से इंटरेस्ट है मगर ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत एविड गेमर हूँ कि भाई वो एक आ, स्ट्रीमिंग वगैरह करना और वो सब वो, वो सब मैं नहीं करता हूँ लेकिन मुझे गेमिंग पसंद है मुझे वर्चुअल रियलिटी अच्छी लगती है और ऑगमेंटेड रियलिटी भी अच्छी लगती है उस पर आधारित जो चीज़ें हैं वो करने में मुझे ज़रा ख़ास मज़ा आता है तो मैंने जो गेम मैं खेल रहा था पिछले तकरीबन पाँच दिन से चार दिन से उसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एक मोबाइल गेम है क्योंकि यूजली मेरी जो पी हैं दो मेरे पास दो पी हैं और एक पी पर एक्सक्लूसिवली मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ क्योंकि ज़रूरी है मेरे लिए वो काम करना मेरा काम है और दूसरे पी पे मैं एक्सक्लूसिवली मतलब वो पी मैंने अपने लिए बनाया था एक उसके पीछे एक आई एम सॉरी Uh, notifications Instagram is crap क्रैप सार देता हूँ so, सो दूसरा पी जो मैंने बनाया था वो एक कहानी है उसके पीछे कि वो बस बन गया और मैं ये नहीं कहूँगा गलती से बन गया लेकिन वो बन गया था और मैं बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो डबल आ गए थे और वो एक अलग ही किस्सा है बाद में बताऊँगा लेकिन आ, वो पी जो था उस पर मैंने एक्सक्लूसिवली अपना एडिटिंग स्वीट मैंने उस पर स्थापित किया है इस्टेब्लिश किया है और वहाँ मैं एक्सक्लूसिवली एडिट्स करता हूँ uh, कभी कभार मूवीज़ देखता हूँ फिल्म देखता हूँ इट्स इट्स मोर ऑफ़ ए फन जोन और वो सिर्फ मेरे अकेले का भी नहीं है मेरी सिस्टर भी जो है उस पी का इस्तेमाल करती है वो कभी कभी अपने प्रोजेक्ट कर लेती है उसके ऊपर तो हाँ मेरे यहाँ पर दो दो पी हैं इस तरह से और यूजली मैं एडिट्स उसी पीसी पे किया करता हूँ तो उस पीसी पे मैं ज़्यादा गेम्स इंस्टॉल नहीं करता हूँ बिकॉज़ गेम्स जो होती हैं वो आपके एस एस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ले लेती हैं और उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स जो हैं खास करके अडोबी जो स्वीट है प्रोग्राम्स वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और उसके बावजूद होता यह है कि प्रोग्राम्स को लोड होने में प्रॉब्लम होती है देर आर रेंडरिंग एशूज़ एंड देर आर ऑल्सो फिडेलिटी इशूज़ एंड कम्पेटबिलिटी इशूज़ इन गेम्स द डू इज ऑफ स्टोरेज स्पेस द स्लो डाउन योर एंटायर सेटअप ऐसा होता है मगर अगर आपके पास वन टी बी टू टी बी टेन टी बी फाइव टी बी एस एस डी लगी हुई है अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो यकीन ये कर सकते हैं आप मगर मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की कि किसी को भी कोई ज़रूरत होती है तो बॉटम लाइन यही है कि मैं एविड गेमर नहीं हूँ लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं गेमिंग कर रहा था और अच्छा एक्सपीरियंस था मल्टीप्लेयर गेमिंग थी बहुत सारे लोग थे हमारी कंट्री से भी थे बाहर की कंट्री से भी थे लोग एक हेडफोन्स लगाते थे माइक्रोफोन्स लगाते थे और क्योंकि मोबाइल गेम थी आईपैड पे खेल रहा था मैं तो कभी कभी बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाती है इट्स ऑल्सो लाइक ए ए टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कि वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं जुलते हैं पता लगता है कि उनके प्रेफरेंसेस क्या हैं वो कैसे खेलते हैं कैसे वो गेम को अप्रोच करते हैं स्ट्रेटजी कैसे बनती है और प्लेयर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और फिर आपको एक मिशन दिया जाता है एक टारगेट दिया जाता है और आप उसको अचीव करने के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर देते हैं गेम के अंदर क्योंकि जब आप गेम खेलते हैं खास करके इस तरह की गेम्स खेलते हैं जहाँ पर एक एक ऐसा एक ड्रेंड रश टाइप का होता है और राइफल्स एंड एंड जो प्लेंग इन टीम्स तो ऑबियसली जब कम्यूनिकेशन होता है तो एक बड़ा इलेक्ट्रिक सा माहौल बन जाता है और वो अच्छा भी है गिव्स यू स्ट्रेस रिलीफ लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी चीज़ की आदत ज़्यादा लगानी चाहिए तो मैंने चार पाँच दिन खेला मुझे बड़ा मज़ा आया शुरुआत यहाँ से हुई थी ये जो हेडफोन्स आप देख रहे हैं मैंने ये हेडफ़ोन्स खरीदे थे और मैं चाहता था मैं इनको टेस्ट करूँ अलग अलग सीनारी के लिए तो मैं कह चलो यार गेम्स खेलते हैं जरा गेम गेमिंग में टेस्ट करते हैं तो बहरहाल ये हेडफोन्स के लिए तो मैं एक अलग से वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर दूँगा और आप शायद सुन लीजिएगा मैं मेरे जो पॉडकास्ट है मैं उसके ऊपर शायद इन हेडफोन्स के बारे में बात करूँ uh, मुझे मज़ा आता है हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स टेस्ट करने का बहरहाल जो माइक्रोफोन आज मैं यूज़ कर रहा हूँ इफ़ एनी बडी इज़ इंटरेस्टेड टुडे आई एम यूजिंग दैज इन जेंटलमैन माय फेवरेट माइक्रोफोन ऑफ ऑल टाइम्स दिस दिस लुक्स वेरी सिंपल इट्स अ वेरी सिंपल माइक्रोफोन डजन हैव एनी बेल्स इन विसल्स बट इट्स अ क्लासिक This guy is the SM58 from Shure. It's a it's a beautiful microphone. आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि कई जगह इस माइक्रोफ़ोन को लोगों के हाथों में देखा होगा और यूजली uh, ये माइक्रोफोन लोग स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं इस माइक्रोफोन को मैं तो स्टेज पर जाता नहीं हूँ मैं कोई परफॉर्मर नहीं हूँ या कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ मगर मैं इस माइक्रोफोन को हर जगह इस्तेमाल करता हूँ वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करने के लिए मैं कभी कभार इसका यूज़ करता हूँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत बार इसका यूज़ करता हूँ कहानियाँ पढ़ने के लिए भी करता हूँ और पोइट्री पढ़ने के लिए भी करता हूँ तो मुद्दे पे वापस आते हैं दो हफ़्ते से मैं एडिट नहीं कर रहा था लेकिन दो हफ़्ते से मैं आ, बहुत सारे शायरों को मैंने सुना पढ़ा देखा और बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं पहले सोचता था कि शायद अच्छी नहीं है लेकिन बाद में जब मैंने उनको दोबारा से सुना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आया उनके अंदर एक इंटरेस्ट सा मेरा बन गया ऐसा ही एक शायर है और पाकिस्तान के शायर हैं श्रीमान तहज़ीब हाफ़ी साहब हैं और मैंने पहले भी शायद इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे जब मैं स्टोरीज़ डालता रहता हूँ तो मैंने कहा है कि मुझे हाफ़ी की जो शायरी है मुझे अच्छी लगती है पसंद है मगर कुछ कुछ जगह पे मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ मामला नज़र आता है और आप देख रहे होंगे मुझे बहुत पसीना आ रहा है लेकिन क्या करूँ रिकॉर्डिंग की मजबूरी होती है रिकॉर्डिंग करते समय आपको पंखा बंद करना पड़ता है वरना ये जो आवाज़ है वो सारी डिस्ट्रॉट हो जाएगी और Uh, क्या फ़ायदा उसका लेकिन लेकिन फिर भी हाफ़ी की बात कर रहा था मैं तो अच्छा लिखता है हाफ़ी तो मैंने हाफ़ी का कुछ कलाम पढ़ा रेख्ता पर है फ्रीली अवेलेबल इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट आप उसको देख सकते हैं और इन्जॉय uh, कर सकते हैं आपको उर्दू हाफ़ी की उर्दू इतनी मुश्किल नहीं है जैसे मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब की उर्दू बड़ी मुश्किल है कुछ वर्ड्स समझ में ही नहीं आते हैं तो उसके लिए डिक्शनरी देखनी पड़ती है लेकिन हाफ़ी की उर्दू इतनी मुश्किल नहीं है कुछ वर्ड्स होते हैं जो थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे उसकी शायरी और मैंने कुछ उसके शेर पढ़े थे कुछ गज़लें पढ़ी थी मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा कि शायद अगले मेरे कुछ एडिट्स में मैं तहज़ीब हाफ़ी की पोइट्री का इस्तेमाल करूंगा और मैं करना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि राइटर्स को हमारे देश में भी और दुनिया भर में भी जो रिप्रजेंटेशन शायद थोड़ी सी कम मिलती है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ बर बड़ी तोप हूँ तो मैं अगर किसी को रिप्रेजेंट करूँगा तो वो वो फेमस हो जाएगा नहीं वो ऑलरेडी बहुत फेमस है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी छोटा मोटा करूँ तो उसमें किसी ऐसी हस्ती को शामिल कर लूँ कि जिसके बारे में लोगों को जानने को मिल जाए मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ें बनाता हूँ उन चीज़ों के अंदर वो एक किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक फैंडम से जुड़ी हुई चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं किसी फैंडम को ध्यान में रख कर के चीज़ें नहीं बनाता मैं जब भी कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ और या फिर कोई मुझे इंस्पायर कर दे तो उसके लिए करता हूँ और आजकल मुझे काफ़ी कम लोग इंस्पायर कर रहे हैं आजकल सिर्फ मुझे लोग दुखी कर रहे हैं मैसेज कर कर के मैं फिर से मैं नाम नहीं लेता अपनी वीडियोज़ का लेकिन एक फैंडम के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके फैंडम का बहुत बड़ा भक्त हूँ उन्हीं की तरह ऐसा है नहीं मैं यकीन मानिए साहब मैं उस व्यक्ति की मैं मैं शक्ल भी नहीं देखूंगा जिस जिसके आप फैन हैं बट फिर भी आ, मुझे किसी से कोई पर्सनल गर्जेज नहीं है लेकिन फिर भी मैं करूंगा आने वाले समय में भी वीडियोस आएंगी मैं बनाऊंगा और आ, उस पर अच्छी अच्छी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे उस पर वॉइस ओवर्स भी डालूँ क्योंकि वॉइस ओवर्स मैं समझता हूँ कि जो एडिट्स होते हैं खास करके जो मैं करता हूँ वॉइस ओवर्स उसकी एक एक सेंट्रल पॉइंट है एक सेंट्रल थीम है वो वॉइस ओवर जो शुरू में आता है या बीच में आता है या आखिरी में आता है वो उसका रास्ता डिफ़ाइन कर देता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता तो छोड़िए खैर अगर आता है तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ तो मैं हाफ़ी की बात कर रहा था और हाफ़ी की कुछ शायरी मैंने यहाँ लिखी है तो शायरी नहीं गज़ल है एक्चुअली आई थिंक दो या तीन गज दो, दो गज़लें हैं हाफ़ी की और मैं चाहता हूँ कि मैं इन गज़लों को आज इस वीडियो पर पढ़ूँ आप लोगों के लिए और ये वीडियो ओबियसली मेरे यूट्यूब चैनल पर जा रहा है और इंस्टाग्राम पर भी जा रहा है और कहीं और जगह भी जा सकता है पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है तो मैं हाफ़ी पढ़ रहा था और कुछ गज़लें मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे दिल को छूँ और बहुत कुछ ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यह पहली गज़ल अश्क ज़ाया हो रहे थे देख कर रोता ना था जिस जगह बनता था रोना मैं उधर रोता ना था सिर्फ तेरी चुप ने मेरे गाल गीले कर दिए मैं तो वो हूं जो किसी की मौत पे रोता ना था प्यार तो पहले भी उससे था मगर इतना नहीं तब मैं उसको छू लेता था पर रोता ना था दूसरी गजल ये सोचकर मेरा सहरा में जी नहीं लगता मैं शामिल सफ़े आवारगी नहीं लगता कभी कभी वो खुदा बन के साथ चलता है कभी कभी तो वो इंसान भी नहीं लगता मैं उसके पास किसी काम से नहीं आता मगर उसे ये काम काम ही नहीं लगता अच्छा लिखा है काफ़ी अच्छा लिखा है मुझे मुझे अच्छा लगा मुझे पसंद आया और एक उसकी ग़ज़ल थी जो मुझे और पसंद आई थी लेकिन वो मैं नहीं पढ़ूँगा वो मैं आप लोगों को उसी की ज़ुबानी सुनवा दूँगा इसके बाद तो आप सुनिए तहजीब हाफ़ी की गज़ल ख़ुद तहजीब हाफ़ी की आवाज़ में एक और ग़ज़ल है ये भी एक पुरानी गज़ल है क्या ख़बर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ जब वो इन हाथों से पहली मरतबा रोशन हुआ क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ जब वो इन हाथों से पहली मरतबा रोशन हुआ वो मेरे सीने से लग कर जिसको रोई कौन था वो मेरे सीने से लग कर जिसको रोई कौन था किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ वो मेरे वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था किसके किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हुआ वैसे मैं इन रास्तों और ताकतों का था नहीं वैसे मैं इन रास्तों और ताकचों का था नहीं फिर भी तूने जिस जगह पर रख दिया रोशन तो सुना आपने लिखने वाले कितना अच्छा लिखते हैं लिखने वाले कुछ बातें कितनी अच्छी करते हैं मगर हम लोग उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते जितना अप्रिसिएशन राइटर्स को मिलना चाहिए मैंने ये ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ और कुछ मेरे दोस्त हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं और कभी मौका नहीं मिला क्योंकि वो लोग अपनी गज़लों को खुद ही कहना पसंद करते हैं और मैं चोरी करने में विश्वास नहीं रखता मैं जब भी कुछ बनाता हूँ तो उसका क्रेडिट कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से दे दूँ जिसका जो जो सामान मैं उठा रहा हूँ वो सामान के बारे में मैं लिख देता हूँ कि ये आपका है ये आपका है ये आपका है और इसको इकट्ठा करने वाला जो हूँ वो मैं हूँ तो उनका नाम भी आना चाहिए मुझसे पहले और क्योंकि ये सब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं ये उन्हीं लोगों की हैं मेरा इसमें कोई ख़ास योगदान नहीं है तो यही है कि मैं पिछले दो हफ्ते से ब्रेक पर था लेकिन अब एडिट्स वापस आएंगे वीडियोस वापस आएंगी और पिक्चर एडिट्स मैंने कुछ किए थे लोगों को अच्छे लगे एक मैंने किया था मैंने पोस्ट ही नहीं किया उसको मैंने एक वीडियो के अंदर चुपके से छुपा दिया था क्योंकि मुझे इतना मज़ा नहीं आया था उसको करने में और मुझे लगा भी नहीं कि उसको अलग से पोस्ट करने की ज़रूरत है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई काम क्यों करना तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रा मैं ये साझा करूँगा और आप चाहें तो तहजीब हाफ़ी को ज़रूर सुनिए उनकी पोइट्री उनकी गज़लें बड़े फेमस वो कवि हैं बी बी सी पर उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने भारत की बात भी की और वैसे शायरी की बात भी की लेखने की बात की लेखकों की बात की किताबों की बात की पढ़ने लिखने की बात की बहुत अच्छी बात की तो अगर आप चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर जहाँ पर भी यूट्यूब पर जहाँ भी आप देखना चाहते हैं तो बस आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे ख़्याल से कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है और कहते हैं ज़्यादा बातें करने से लोग बोर हो जाते हैं और लोगों को बोर करने का मुझे कोई अधिकार नहीं तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में और कुछ नई पेशकश के साथ तब तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए नमस्कार